हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आलू पनीर की मसालेदार सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और 100 ग्राम पनीर। आलू को मैंने छील लिया है और इसे हम उबाल लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई को आगे ही चढ़ा दिया था और तेल जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक बड़ी साइज की प्याज को काट कर रखे हैं, थोड़ा सा जीरा और प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च को बीच से काट करके डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें एक बड़ी साइज के टमाटर को भी लंबे लंबे टुकड़े में काट कर डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। प्याज और टमाटर जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने जो 3 आलू लिए थे उसे मैंने उबाल कर छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इस भी आलू को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। आलू को हम अच्छा सुनहरा होने तक भुनेंगे। तो देख सकते हैं कि आलू जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। तो इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भुनेंगे। इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आलू हमारा जो है अच्छे से भुन गया है। अब जो मैंने पनीर रखा था उसे अब हम इसमें कद्दूकस करके डाल देंगे। इस तरह से हम सारे पनीर को इसमें कद्दूकस करके डाल देंगे। आप चाहे तो पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करके डालने से पनीर और आलू का टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाती है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला भी डाल देंगे और इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं कि हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है और यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दिखने में जितना सुंदर है खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच बटर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म आलू पनीर का सब्जी बनकर तैयार है। यदि आपको हमारी यह सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।